पर चरवाहा विद्यालय खोलकर इसको केवल दस्तखत कराना सिखला दो और इसी पर अपना फिट थपथपाना देते। ऐसे लोग जो अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पाए, चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार के दलितों का अपमान करने का काम किया। इस सदन के माध्यम से मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करने का पहले भी मौका मिला है। और पुनः मैं बधाई देता हूं वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता, अपने सचेतक को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। और मैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने पातेपुर विधानसभा के उन तमाम जनता को जिनके आशीर्वाद से एक दलित के बेटा सदन में आकर अपनी आवाजों को बुलंद करता है। अध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग के बजट पर सरकार के पक्ष में मुझे बात रखने के लिए कहा गया है। जल संसाधन के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे बिहार के अंदर काम हो रही है, केवल यह बजट केवल बजट ही नहीं है, यह बजट 4,398,51,00,000 का शुभ शुभ बजट है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इतना सुंदर सा बजट आपने लाया है। यह बजट के माध्यम से पूरे बिहार के अंदर जब बाढ़ के विभीषिका आती है तो उस समय एहसास होता है ये बजट की कितना आवश्यकता है। लेकिन हमें लग रहा है जो विपक्ष के साथी है, जिस प्रकार से उनकी उजड़ा हुआ चमन है और पूरा के पूरा फील्ड खाली करके जनता के हित का रक्षा उनके ध्यान में नहीं रहा और सदन से भाग खड़ा हुए हैं ऐसी दुर्भाग्य की भावना लेकर। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट है उस बजट में आम जनता का जो रक्षा होगा बाढ़ के समय, इसके लिए बजट को समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वही आज शिक्षा विभाग पर ही यह बजट है। अभी हमारे साथी चले गए, बोल रहे थे 90 के दशक को याद करा रहे थे कि 90 के दशक में उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया था। 90 के दशक में जिस प्रकार से पूरे बिहार के अंदर एक चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार के दलितों का अपमान किया जा रहा था, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको दलित के बेटा के अति पिछड़ा और गरीब के बेटा को पढ़ाई से मतलब नहीं था, उन्हें केवल चरवाहा विद्यालय खोलने का मतलब था। वो समझते थे कि बिहार के अंदर जो गरीब है, जो दलित है, जो महादलित है, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके पास में बहुत सा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लग रहा था केवल चरवाहा विद्यालय खोलकर इसको केवल दस्तखत कराना सिखला दो और इसी पर अपना फिट थपथपा रहे थे। ऐसे लोग जो अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पाए, बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता है वो तो स्वयं 8वां पास है, उनके पिता ने यदि चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार के दलितों का अपमान करने का काम किया और आज सदन के अंदर विपक्ष के लोग उसी को पीठ थपथपा रहे थे। जो दलितों का सम्मान जिस विद्यालय में पढ़ने से आज बिहार सरकार ने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज मिला है, और एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब बिहार में सरकार रही हमेशा शिक्षा पर, आज शिक्षा का क्या स्थिति था, 90 के दशक याद करा रहे थे, विद्यालय चरवाहा विद्यालय तो उन्होंने खोल दिया था, कहीं पर भवन दिखाई नहीं दे रहा था। अध्यक्ष महोदय, आप भी सदन के नेता हैं, माननीय विधायक हैं, हम सभी माननीय विधायक हैं, अपने विधानसभा में जाते थे वही चरवाहा विद्यालय पेड़ के नीचे दिखाई दे रहा था, कहीं भवन नहीं थी, कहीं शौचालय नहीं था। लेकिन आज माननीय शिक्षा मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे बिहार के अंदर सभी विधानसभा में एक एक भवन दिखाई दे रहा है स्कूलों में, और भवन निर्माण हो गया है, शिक्षकों की बहाली हो गई है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रहा है। भवन हो गई थी, वहां विद्यालय का उपस्थिति नहीं हो रहा था, लेकिन बिहार सरकार के सही निर्णय के कारण आज विद्यालय में टीचर भी है, भवन भी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।